हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सुप्स। आई होप गाइस अच्छे होंगे। सर फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका आप इतना दिन से वेट कर रहे थे। फेस रिवील करो तो देख लो मेरा फेस, इधर से देख लो इधर से देख लो। एक कमेंट मत करना भाई, बहुत खराब लगेगा। तुम्हारा फेस के साथ तुम्हारा आवाज मैच नहीं कर रहा भाई। कितना लोग तो आप ऐसे मैसेज करते हो, जो जो बंदे फेस रिवील करता है भाई, ऐसे ही है। आप लोग को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई दिक्कत वाला बात नहीं। मुझे पता है कि आप लोग के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अचानक से फेस रिवील, कोई माइलस्टोन नहीं, कोई हिंट्स नहीं। भाई मैं ऐसे ही हूँ कि कोई भी माइलस्टोन का जरूरत नहीं पड़ता। अगर मुझे मन किया तो उसी दिन फेस रिवील होगा, भले रात को क्यों ना। ठीक है, अब देखो एक एक करके आप लोगों का क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। जैसे मैं पबजी के अंदर और बीजीएमआई के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वैसे आज आपके दिमाग में जितना भी क्वेश्चन आ रहा सबको सॉल्व करेंगे। और जैसे कि मैं बोला कि हमेशा सरप्राइज के साथ आता हूँ, तो इस बार बहुत सारा सरप्राइज के साथ आया हूँ, तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई 100 के जब हुआ था उस टाइम फेस रिवील क्यों नहीं किया। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई जितना दूर भी मैं आया हूँ वो पबजी के बदौलत ही आया हूँ। 99% जितना भी वीडियो है पबजी से रिलेटेड, और मेरा जब 100 के हुआ था वो फेब एंड मार्च के आसपास हुआ था, तो उस टाइम मुझे एकदम भी फील नहीं हुआ कि भाई एक वीडियो बनाओ फेस कैम वाला सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि भाई जो गेम मुझे ऊपर लाया था वही गेम बैन था, और उसके बाद आप कैसे वीडियो बनाओगे। तो मैं जानता था कि गेम आएगा, बट ऐसे करते करते हमको लगा कि मार्च में आ जाएगा, फिर पता चला अप्रैल में आएगा, मई में, ऐसे करते करते जून जुलाई आ गया। और उसके बाद मैं सोचा कि भाई अब जुलाई आ ही चुका है तो अगस्त में फेस रिवील करेंगे। तो गाइस आज से 2 साल पहले मैं अपने आप को एक कमिटमेंट किया था। उससे पहले एक स्टोरी मैं समझा देता हूँ, ज्यादा मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाता हूँ, बट मैं कुछ कुछ चीज बोल देता हूँ जिससे आप लोग अगर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो यूट्यूब में तो आपको भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो गाइस मैं स्टार्ट किया था यूट्यूब 2017 को, ब्लॉगिंग चैनल बनाया, गंदा वाला फेल हुआ, ज्यादा मैं ब्लॉगिंग किया नहीं था बट फेल हो गया। उसके बाद मैं बनाया कॉमन टेक, या बोल सकते टेक का चैनल, लिटरली उसमें मैं 1.5 साल रगड़ के मेहनत किया। जैसे मैं रोज अभी वीडियो डालता हूँ वैसे उसमें भी डालता था, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कैसा हालत है, और उसमें आप देख पा रहे होंगे मेरे को स्टार्टिंग से व्यूज का लेना देना नहीं था। जैसे कि आप देख पा रहे हो उधर 300 व्यूज भी बहुत मुश्किल से आ जाता था, बट फिर भी मैं वीडियो बनाता था। मैं ज्यादातर लोग को देखता हूँ कि अपना चैनल को प्रमोट करते इधर आके, भाई प्रमोट क्यों करना, आपके अंदर टैलेंट है तो भाई एक दिन डेफिनेटली होगा। तो 2019 को इसी दिन मैं एक चीज प्रॉमिस किया अपने आपको, मैं लास्ट ट्राई देने वाला हूँ यूट्यूब में, 1 साल में नॉन स्टॉप वीडियो डालता हूँ पबजी का, और देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। फॉर्चुनेटली 1 साल छोड़ो, 2 साल लगातार एक दिन भी गैप नहीं, डेली का डेली वीडियो आपको देखने को मिलता है चैनल में। और 1 साल का मैं कमिटमेंट किया था, उसके बाद ऐसा आदत हो जाता है तो आप डेली डालते हो। ऐसा भी मैं सोच के रखा नहीं कि कभी मैं गैप ही नहीं लूंगा, ऐसा हो सकता है गैप हो जाए, बट वो जो 1 साल में स्टार्टिंग का लिया था वो अपने आप को कमिट करके किया था। ठीक, सो गाइस आपको समझ में आ चुका होगा सब कुछ, ये चीज कैसे हुआ। तो गाइस अभी हम लोग आते हैं सेकंड सरप्राइज में, वो है हम लोग का सिल्वर प्ले बटन। वो बहुत दिन पहले आ गया, लिटरली किसी को भी नहीं पता, घर में भी किसी को नहीं पता, फ्रेंड्स को भी किसी को भी नहीं पता कि भाई मैं सिल्वर प्ले बटन कब से रखा हुआ हूँ, छुपा के रखा था। इतना पेशेंस मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा, मैं छुपा के रख दिया था। बस एक चीज चेक किया था जब आया था कि मेरा नाम जो एग्जैक्टली सिल्वर प्ले बटन में है कि नहीं, तो वो चीज देखा था हाँ है, चुपचाप रख दिया था। मैं सोच रहा था किस दिन रिवील करो, उसको देखता तक नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि जिस दिन भी रिवील करो वैसा एक्सपीरियंस हो जैसे पहले बार हो। तो लिटरली ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है वो लोग मैसेज करेगा, तो इधर हम लोग का प्ले बटन आ चुका था, बहुत पहले ही आ चुका था, बट आप जानते हैं जिसके चलते ये मिला वो अगर बैंड अगर कैसे बोल सकता अच्छा लगेगा। सो गाइस ये देख लो सिल्वर प्ले बटन, आई होप आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा पूरा एक्सक्लूसिव इंट्रो के साथ। तो वो जो इंट्रो मेरा सिस्टर बनाई है, मैं खुद नहीं बनाया हूँ, बहुत अच्छा एडिटिंग करती है। देखो तो ये जो चीज आप देख पा रहे हैं भले ही मेरे पास है, बट ये जितना भी नंबर्स देख पा रहा हूँ ना, ये नंबर एक नंबर आप भी है इसमें से। तो हर एक इंडिविजुअल बंदा जो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए बाद में किए हो अभी किए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक एक बंदा का सब्सक्रिप्शन इधर दिखता है और वही चीज आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच भाई, आप लोग के चलते ये मुझे मिला है। उसके साथ साथ जितना भी मेरा फ्रेंड्स फैमिली मेंबर ऊपर वाला तो है ही, उसके साथ साथ भाई डेटा माइनर, तो थैंक्स टू प्रियांक गेमिंग, लकी मैन, एसजेआर लाइव, उसके साथ साथ मैट तमीजा, जितना बंदे ने भी मुझे लिंक्स प्रोवाइड किया। उसके साथ साथ बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर से मेरा बात होता है, इवन बहुत लोगों से बात नहीं होता, बट हर एक इंडिविजुअल का वीडियो देखता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसका सब्सक्राइबर ज्यादा है कि कम है। देखा गया हर एक बंदे का वीडियो बनाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, तो सबसे आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता वो आपसे सब्सक्राइबर में छोटा है कि बड़ा है, आप सबसे सीख सकते हो। ठीक है, तो सबको थैंक यू सो मच भाई इतना दूर लाने के लिए, अभी बहुत दूर जाना है। तो वन सेकेंड आप लोग के हेल्प के चलते मुझे ये मिला है, देख लो अच्छा से वीडियो पॉज करके देख लो,
और कैसा लगा कमेंट करना। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, फेस कैम वाला वीडियो आपको मेन चैनल में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इवेंट कभी भी आ जाता है, मैं रेडी नहीं रहता कि फेस दिखाओ उसके बाद वीडियो एक्सप्लेन करो, फट से इवेंट आता है, फट से मैं वीडियो बनाता हूँ अपलोड करता हूँ। तो मेन चैनल में ज्यादा उम्मीद मत करना कि फेस रिवील होगा, कभी कभी क्रिएट ओपनिंग में कुछ फनी करना रहेगा तो फेस में दिखा दूंगा, बट ऐसा नहीं कि मैं फेस और दिखाऊंगा नहीं, आप सिंपली लाइव स्ट्रीम में आ सकते हो भाई। कुछ ही दिन में जैसे iOS में लॉन्च होगा तो BGM के स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद तो PC गेम तो चलते हुए रहता है, तो डेफिनेटली उधर आकर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग आते हैं लास्ट सरप्राइज में, वो ये कि मेरा तरफ से 10 रॉयल पास का गिव अवे है। तो आपको सिंपली करना ये है कि आपको अपना कैरेक्टर आईडी डालना है कमेंट सेक्शन में, तो अपना कैरेक्टर आईडी डालना, BGM डाल देना, और अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हो तो पबजी मोबाइल बंदे को भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि केवल इंडियन बंदे को मिलेगा। मुझे पता है भाई बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार बहुत बंदे देखते हैं, तो हर एक बंदे को मिलेगा। तो अगर आप लकी विनर रहे तो वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक इंडिविजुअल बंदे को UC मिलना फिक्स है, या बोल सकते हैं रॉयल पास मिलना फिक्स है। तो हम लोग ये करेंगे कि कल से जितना भी वीडियो मैं बनाऊंगा 10 वीडियो में हम लोग लास्ट में देखेंगे कौन कौन विनर है। तो अगर पबजी का बंदा जीतता है तो डायरेक्टली मैं उसका वही आईडी में यूसी सेंड कर दूंगा या रॉयल पास सेंड कर दूंगा, और अगर BGM का यूजर होगा तो डायरेक्टली तो वेबसाइट से मैं भेज नहीं सकता, उसको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा और उसके बाद मैं उससे बात करके ईमेल आईडी लेके उसको रिडीम कोड भेज दूंगा जो कि जितना कॉस्ट का रॉयल पास है। ठीक है, तो आई गेस आपको काफी अच्छा लगा वो वीडियो, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप बताना। बहुत दिन के बाद कैमरा में आया हूँ, क्योंकि बहुत पहले मैं ब्लॉग करता था तो आदत था, अब तो छूट छाट गया, बट ठीक है, आई गेस आप लोग मैनेज कर ले तो अच्छे सब्सक्राइबर हो। चलो इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आज के वीडियो में हम लोग एक इवेंट देखने वाले हैं, जो कि मुझे नहीं पता कौन सा इवेंट का बात कर रहा हूँ, वैसे तो आज इवेंट दिखाना नहीं है, फेस दिखाना, ठीक।